हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है केस स्टडी ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा होगा रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर। जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 को ओपन करके, ठीक है, उस चीज को पूरा रूल्स को समझे, क्योंकि जब भी अपन केस स्टडी स्टार्ट करेंगे रूल्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए पहले रूल्स देखे उसके बाद केस स्टडी। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का क्लास, जो कि है केस स्टडी ऑफ कॉनकेव मिरर। केस नंबर 1, केस नंबर 1 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहां रखा है बच्चों ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी में रखा हुआ है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर का इंफिनिटी में रखा हुआ है। तो वहां से लाइट आ रही है बच्चों, ये देखो लाइट आ रही है। ये कहां से, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है देखो, ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई और कहां जाएगी? इस पॉइंट पे जाएगी स्टूडेंट्स, ये हो गया पॉइंट। और इस पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। ये रूल में आपने देखा होगा व्हेदर रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। व्हेदर रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो यहां पर दो लाइट का, ठीक है, इंटरसेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स, और ये यहां पर इमेज बनी। तो अपन क्या क्या लिखते हैं इमेज में? इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे यहां पर, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग तीन चीज लिखते हो, साइज, नेचर एंड पोजीशन। तो साइज क्या है बच्चों? साइज बहुत छोटी है, इसको आप डिमिनिस या पॉइंट साइज बोल सकते हो, डिमिनिस या पॉइंट साइज। नेचर क्या है? देखो कन्वर्ज होके बनी है, और जब भी कोई इमेज कन्वर्ज होके बनती है, ठीक है, कन्वर्ज होके बनती है, एक पॉइंट में मीट होके बनती है, वो कौन सी होती है? रियल। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है बच्चों? इनवर्टेड होती है, रियल है इनवर्टेड। आपको भले ही इनवर्टेड नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पॉइंट साइज है, इसलिए उल्टी नहीं दिख रही होगी, इन्वर्टेड नहीं दिख रही होगी, बट बाकी इमेज याद रखना रियल के साथ इन्वर्टेड ही आता है। ठीक है, जो भी इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है। अगर ये बड़ी होती तो आपको उल्टी दिखती स्टूडेंट्स, उल्टी मतलब जस्ट लाइक है, तो इन्वर्टेड इमेज कैसे दिखती इसका। ठीक है, पोजिशन, पोजिशन कहाँ है? एट फोकस। कहाँ पर बन रही है इमेज? फोकस से बन रही है। ये हो गया स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट केस नंबर 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन प्रिटी। अब स्टार्ट कर रहे हैं केस नंबर 2, अब स्टार्ट कर रहे हैं केस नंबर 2। यहाँ देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कहां रखा है ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब देखो यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरा फोकस, ये आपका सेंटर कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? यहां पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं अपन, सबसे पहले रे ऑफ लाइट गई ऐसा, और ये कहां से चले जाएगी? फोकस से चले जाएगी, ये फोकस से चले जाएगी। ठीक है, दूसरा रूल नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2। अब ये रूल नंबर 2 यहां ले रहा हूं, फोकस पोल से लिया, ये आपका पोल है, तो पोल से चले गई सर, ये ऐसा करके चले गई। तो देखो यहां पर मिली आपकी इमेज, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इमेज है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है आपका, तो ए डैश बी डैश इमेज है। ठीक है, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या लिखेंगे? देखेंगे इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला पोजीशन, चाहे पोजीशन लिखो, चाहे साइज लिखो, चाहे नेचर लिखो, दूसरा नेचर, और तीसरा साइज। नेचर क्या है? ठीक है, पोजीशन देखो, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप फुल लिखेंगे, फोकस पूरा लिखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरा लिखेंगे, यहां पर भी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरा लिखेंगे। ठीक है, नेचर, नेचर क्या है भाई? देखो कन्वर्ज होके बन रही है, कन्वर्ज होके, कन्वर्ज होके बन रही है, जब भी कन्वर्ज होकर बनती है तो क्या होती है? रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, आपको दिख ही रही है बच्चों, इनवर्टेड दिख रही है, ऑब्जेक्ट है और ये इनवर्टेड नेचर। ठीक है, नेक्स्ट साइज, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है, स्मॉलर
देन द ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट, ये हो गया फ्रेंड्स थर्ड केस। ठीक है, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस देखेंगे, वेन ऑब्जेक्ट, थर्ड केस, केस नंबर थ्री, वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अब सॉरी इंफिनिटी नहीं, दूसरा केस आपका क्या है बच्चों, वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द पिक्चर। ठीक है, तीसरा केस क्या है आपका, वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द पिक्चर। ठीक है, सेंटर ऑफ द पिक्चर, इसके पहले वाला केस क्या था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ द पिक्चर था, और अभी ये कौन सा केस है, एट सेंटर ऑफ द पिक्चर है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ द पिक्चर, अब इमेज का रखी ये इमेज, ये यहां से मेरा फ्रंट व्यू आपका ऐसा, और ये फोकस से निकल रही है बच्चों। ठीक है, और ये दूसरी भी आप फ्रंट जा रही है, और ये ऐसे निकल रही है, ये ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा ये ऐसा, ये यहां से चली गई और ये यहां से जा रही है, ये ऐसा। तो आप देख सकते हैं यहां पर इमेज बन रही है, तो ये हो गया आपकी इमेज, ये इमेज बन गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए बी, तो ये इमेज क्या हुआ, ए डैश बी डैश, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, नेचर कैसा है, नेचर रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड आपको दिख रहा है, इसमें नेचर रियल इन्वर्टेड है। पोजीशन, पोजीशन क्या है, एट सी सेंटर कर्वेचर में है, एट सेंटर कर्वेचर, और फिर पोजीशन नेचर पोजीशन एंड, ठीक है, एक और क्या आता है, साइज सेम साइज, सेम साइज, साइज क्या है, सेम, देखो राइट सेम है। ये हो गया आपका केस नंबर 3 बच्चों कंप्लीट, अब स्टार्ट होता है केस नंबर 4, केस नंबर 4, टोटल 6 केसेस है बच्चों। केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड फोकस, कहाँ रखा है भाई, सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। ठीक है भाई, अब रखते ये हो गया आपका, ये हो गया सेंटर कर्वेचर और फोकस, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों, यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा है ये। ठीक है, यहाँ से इमेज जाएगी, ये जा रही पहला, ये यहाँ से चलेगी बच्चों, ये ऐसा। ठीक है, रूल नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासस फ्रॉम फोकस। दूसरा, जब ये पोल में आती है, आप कोई से रूल यूज कर सकते हो, स्टूडेंट चार बुक में से कोई से भी हो सकता है, आपके बुक में ये वाला डायग्राम ना बना के कोई दूसरा डायग्राम हो, मतलब कोई दूसरा रूल यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम दो रूल यूज करना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, और ऐसा मिनिमम दो रूल क्यों आए, क्योंकि कम से कम आप दो यूज करोगे, कम से कम आप दो रूल यूज करोगे तभी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ये, और जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इमेज है, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इमेज है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए बी, और ये हो गया आपकी इमेज ए डैश बी डैश, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे बच्चे इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, पहला पोजीशन, आप कुछ भी लिख सकते हो पोजीशन, पहले पोजीशन लिख लो, फिर दूसरा नेचर लिख लो, या नेचर पहले लिख लो, या साइज पहले लिख लो, जो आपको मर्जी। पोजीशन क्या भाई, बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर के पीछे है, ये सेंटर कर्वेचर से पीछे, बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर। नेचर क्या है, देखो इन्वर्टेड दिख रही है आपको, कन्वर्ज होके बन रही है, कन्वर्ज होके, ठीक है, रेड डायग्राम में रेड देखो बराबर है स्टूडेंट्स, कन्वर्ज होके बन रही है, कन्वर्ज इमेज कैसी होती है, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है स्टूडेंट्स, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द लाइन लार्ज के बिगर देन द ऑब्जेक्ट, bigger than the object, ये हो गया बच्चों आपका केस नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, अब अपन चलते हैं केस नंबर 5 की तरफ।
अब चलते हैं केस नंबर 5 की तरफ। केस नंबर 5 क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां रखा है बच्चों? प्लेस एट फोकस। अब फोकस में रखा है स्टूडेंट्स, फोकस, ठीक है। केस नंबर 5 में फोकस में रखा हुआ है, तो देखते हैं फोकस में ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और अब ये फोकस में रखा हुआ है, यहां फोकस रखा हुआ है ये, ठीक है। ये फोकस में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहां से पहले राइट टू या फ्रंट गई और ये यहां से निकल गई, ठीक है। दूसरी तरफ फ्रंट यहां से निकल जाता हूं और ये यहां से ऐसे चले, आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल, ठीक है, दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल है। और जो पैरेलल है तो अपन ये मान के चलते हैं कि मीट नहीं होती, कहां मीट होगी? बहुत दूर, जिसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको अपन डिफाइन, और जो चीज को डिफाइन नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? इंफिनिटी। तो यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज है? पोजिशन, कोई पोजिशन कहां है? पोजिशन एट इंफिनिटी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इंफिनिटी में कहीं पर बन रही होगी इंफिनिटी। साइज मैग्नीफाइड, पता नहीं कितनी बड़ी होगी, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब होता है ठीक है बड़ी बन रही होगी, बट पता नहीं कितनी होगी, सब मैग्नीफाइड हो रही, बड़ी हो रही है बस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? नेचर। नेचर क्या है स्टूडेंट? इसका भी रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख सकते हो ये भले ही कन्वर्ज नहीं हो रही है, पैरेलल है, बड़े बड़े मान के चल रहे हैं कि हो सकता है इंफिनिटी में जाके कन्वर्ज हुए, क्योंकि अपन इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसको से इंफिनिटी बोल रहा है, ध्यान रखना चीज को। तो ये केस नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है, ये बड़े मान के चल रहे हैं कि हो सकता है इस ये इंफिनिटी में जाके मिले, इसलिए अपन ने रियल इन्वर्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। चलो केस नंबर 5 के बाद केस नंबर 6 आपका लास्ट केस, केस नंबर 6 देखिए यहां पर लास्ट केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ठीक है, फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में, ये हो गया आपका सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव, ये हो गया आपका ठीक है पोल, और ये हो गया आपका फोकस, इसके बीच के, बीच में रख दिया मतलब यहां पर स्टूडेंट्स ये ऐसा ये निकल गया फोकस से, और ये ऐसा ये निकल गया यहां से। आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल नहीं है, ये क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई है, क्या हो गई है? डाइवर्ज। और डाइवर्ज इमेज को मैं इसका से रिप्लेस करूं ऐसा कुछ, तो कहीं ये जाके यहां पर मिलेगी, एक वर्चुअल इमेज बना दी फ्रेंड्स, ये इसका नाम था ए बी और इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। देखो ये डाइवर्ज है, ये कन्वर्ज नहीं है, पिछले केस में ये पैरेलल था, अब ये पैरेलल नहीं है बच्चों, ये क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया, फैल रही है, और फैल रही थी उसको रिप्लेस किया गया और ये इमेज बन गई। तो यहां पर है लास्ट इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है बच्चों यहां पर, ठीक। पहला पोजीशन, पोजीशन क्या है? मिरर के पीछे, बियॉन्ड मिरर, ठीक है। साइज, कैसी साइज? आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो बिगर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ठीक है। और एक और क्या लिखते हैं बच्चों? नेचर। नेचर क्या है? अब आप देखो इसमें डायरेक्ट है, इसका एरो ऊपर है, इसका भी एरो ऊपर है, ये लास्ट केस है इसमें कॉनकेव मिरर डायरेक्ट इमेज देता है, डायरेक्ट के साथ क्या आता है? वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एक्सपीरियंस, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब क्या होती है? इसको स्क्रीन में नहीं ले सकते अपन परमानेंटली, ठीक है। तो ये एक वर्चुअल है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन बनाया है इसको, और दूसरी डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब में देखो एरो ऊपर है तो इसको लिया ऊपर है। तो यहां पर केस स्टडी खत्म होती है बच्चों, लेक्चर नंबर 3 की केस स्टडी। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे, ठीक है, किस तरह से कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल बनता है, कॉन्वेक्स मिरर का भी आपको केस स्टडी आना चाहिए, केस स्टडी के नेक्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।